आज वर्ल्ड नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, उससे हम लोगों को एक जागरूकता जैसे बताना चाहते हैं कि भी हमारे पास ये सर्विसेज अवेलेबल है। तो आपको जो पहले यहाँ से दिल्ली जाना पड़ रहा था, चंडीगढ़ जाना पड़ रहा था या कहीं और जाना पड़ रहा था, उसकी अब जरूरत नहीं रहेगी, यहीं पे इलाज उपलब्ध है। इस हॉस्पिटल को ज्वाइन करने से पहले मैंने खुद से भी पूछा है और मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है, जो मेरे वेल विशर्स है, उनने भी ये सवाल पूछा। मैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त है, कलीग है, उनने मुझे बहुत अवेयर किया कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी, ये हम सब का एक्चुअली, मेरा ही सिर्फ नहीं, कि फलानी फलानी डॉक्टर्स ने स्किम्स छोड़ के प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया है, इससे जी स्पेशली जो पुअर पीपल है उनके लिए ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा बहुत हमको डीप जाना पड़ेगा। जो स्कीम्स है ये लगभग 1980 के करीब ये स्टार्ट हुआ है, SMHS भी उससे पहले स्टार्ट हुआ, तब से अब तक जो कश्मीर की पॉपुलेशन है वो सेम नहीं है, इट मस्ट हैव ऑलमोस्ट डबल्ड, कम से कम दो टाइम तो बढ़ गई होगी। और जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है गवर्नमेंट में, जो हमारे मेजर दो टर्शियरी हेल्थ केयर सेक्टर है, यहाँ पे ऐसी बीमारियाँ जैसे जिनमें कैंसर भी एक है, इनका इलाज होता है मेनली, वो ग्रो भी नहीं हुए उतने, वो लगभग सेम लेवल पे है, उतनी उनकी ग्रोथ नहीं हुई है। स्किम्स ने एक इनिशिएटिव लिया था कुछ साल पहले, उन्होंने एक डिपार्टमेंट खोला था सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और एडिशनल ऑन्कोलॉजी ऑलरेडी है वहाँ पे डिपार्टमेंट्स, वो थे पहले से भी, लेकिन जिस लेवल पे उनको इन डिपार्टमेंट्स को आगे ले जाना चाहिए था, मैं स्किम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल जो हमारे टर्शियरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स है वैली में, जिस लेवल पे लेना चाहिए ताकि हम क्रिएटर कर पाएँ कैंसर लोड को कश्मीर में, वो मेरे को नहीं लगता वो हो पाया। 10 साल हमने बहुत जदोजहद की है वहाँ पे स्किम्स में कि एक्सपेंड हो, जो फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव हो। उसमें मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ही जिम्मेवार नहीं ठहराऊँगा, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, शायद मैं यहाँ बयान ना कर पाऊँ, जिनकी वजह से मेरे को लगता है जो हमारा ख्वाब था वहाँ पे, वो हमको नहीं लग रहा था कि अगर हम अगले 10 साल भी और बैठे वहाँ पे कि वो पूरा हो पाए। तो हमारा मकसद यहाँ पे आने का यही था कि ट्रेनिंग हमने जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की है वो बाहर की है, और हमारा मकसद यहाँ वापस आने का यही था कि यहाँ कश्मीरियों के लिए स्पेशली एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जाए जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो। आज से 10 साल पहले भी हमें पैकेज लेते, जब हमने गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन किया उस वक्त ही हमारे पास पैकेज इतनी थी जो शायद अभी हम पारस में भी नहीं ले रहे। तो जो असल में डॉक्टर जोर ने आपसे कहा कि जब हमने गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन किया आज से 10 साल पहले, उस वक्त जो हमने वहाँ पर ज्वाइन किया एक ख्वाब लेके आए थे हम कि कैंसर केयर, खासकर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी या कैंसर सर्जरी का, उस वक्त यहाँ पर अभी कोई डिपार्टमेंट नहीं था, इनको हम क्वालिटी केयर दे दें विज आ विज सर्जिकल ऑन्कोलॉजी या कैंसर सर्जरी। मगर क्योंकि हमने पिछले 10 साल में देखा कि नहीं, जो बहुत सी वजूहत हैं इस वक्त से बयान हो पाए कि ये शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकता है, वरना अगर जो आप बोल रहे पैकेज, पैकेज हम आज से 10 साल पहले भी इससे ज़्यादा लेते।